जैसा कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, एक बहुत ही ज्यादा फेमस सोप है जो कि है सीबा मेड, और उसका एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पर देखा होगा। लेकिन एक्चुअली उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा था जिसके वजह से वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया है। के अंदर एक्चुअली क्या था कि वो जो अपने सीबा मेड सोप है उसके पीएच को कंपेयर कर रहे थे रिन से, लक्स से, पियर से, डव से, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस सोप है और कहते हैं कि माइल्डेस्ट है और ग्लिसरीन है या ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस वीडियो में ये कंपेयर करके दिखाया कि उनका जो सोप है वो सेंसिटिव स्किन के लिए काफी बेहतर है और उनका जो पीएच लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक 5.5 उनका पीएच लेवल है। इस तरीके के कुछ क्लेम है जो कि एडवर्टाइजमेंट में शो हो रहे थे, जिसके वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी सीबामेड को, क्योंकि काफी ज्यादा उनके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके प्रोडक्ट को जो है वो कहीं ना कहीं हार्श दिखाया है, केमिकल फुल दिखाया है। सो आज हम बात करने वाले हैं सीबा सोप के बारे में कि एक्चुअली ये सोप है क्या, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है, क्या इसके क्लेम है और क्या इसकी प्राइसिंग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आती है, कार्ड पैकेज के अंदर ये सोप आपको मिलता है। ग्रीन इन कलर में ये सोप है, लगभग जिस तरीके का यू नो लेयर वगैरह होता था उसके काइंड ऑफ इसका कलर है। तो एक्चुअल कलर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये आता है 100 ग्राम वेट में, इसकी नेट क्वांटिटी 100 ग्राम मेंशन है और इसकी एमआरपी पहले 199 शो हो रही थी, लेकिन फिलहाल में अभी 89 रुपीज का नायका पे मिल रहा है एंड 99 रुपीज में अदर जो फर्स्ट क्राई वगैरह है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। सेकंड चीज, इन्होंने कार्डबोर्ड पैकेज के ऊपर ही लिखा है कि ये जो है डीप इन आपके स्किन में और आपकी स्किन को काफी ज्यादा नरिश और मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी बैरियर को डैमेज नहीं करती है, स्किन के पीएच लेवल को डैमेज नहीं करती है, जिसके वजह से ड्राइनेस वगैरह और खासकर सेंसिटिव स्किन वालों को ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं। तो सीबा मेड के बारे में आपको बता देती हूँ, सीबा मेड बहुत पहले से ही अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है हमारे पास, और कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे, कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। क्लिंजर आते थे, बेबी सोप आते थे, बहुत सारे इनके वेराइटीज थे। 2007 के लगभग ये कंपनी जर्मनी से इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आई थी, बट इतना कोई एक्सपोजर नहीं मिला जिस तरीके की अदर मेडिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं रेकमेंड करने पे, डॉक्टर के रेकमेंडेशन पे या फिर यू नो जो भी फार्मासिस्ट से लेकर ही आप इसे लाते थे। लेकिन फिलहाल में इन्होंने एक सोप लॉन्च किया है, एक इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं। इस बात पे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं कि स्किन कैसी होती है, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स जो हैं बॉडी और स्किन टाइप को चाहिए होते हैं। तो इस चीज में आप बिल्कुल सीबा मेड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और बाकी इनके क्लेम पढ़ते हैं कि क्या क्या इनके क्लेम है। आप पिक्चर पे देख ही रहे हैं, यहाँ पर मेंशन हुआ है कि ये क्लींस करता है आपके पोर्स को डीपली पेनिट्रेट होकर, यानी डीप इनसाइड जाकर यह आपके स्किन को क्लींस करता है। सीबामेड जो सोप है वो आपकी स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाता है। ये जो सोप बार है ये काफी ज्यादा परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है सेंसिटिव है, ड्राई हो जाती है, इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा परफेक्ट सोप माना गया है। और जैसा कि हर सोप में मेंशन होता है, इसमें भी मेंशन है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। अगर मैं इनके की फीचर्स की बात करूं जो कि पैकेजिंग पे भी मेंशन है, वो है कि ये जेंटली क्लींस करता है आपके पोर्स को, रिटेन करता है मॉइस्चर को, सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है डैमेज एनवायरमेंट से। तो ये सारे इनके कुछ क्लेम है, सारी चीजें मेंशन है, इनकी एक्सपायरी वगैरह उससे 3 साल तक की शेल्फ लाइफ है। आपका एमआरपी 199 है बट 99 रुपीज में मिल जाता है, 89 में सबसे कम जो प्राइस है वो नायका पे है, नायका पे आपको 89 रुपीज का मिल जाएगा। ये और भी चीजें इन्होंने मेंशन करी है, ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट तो करता ही है, नेचुरल बैरियर तो क्रिएट करता ही है। तो उन्होंने ये चीज भी मेंशन करी है कि ये सोप बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री है और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है सेंसिटिव और प्रॉब्लमेटिक सारी चीजों को देखते हुए इस सीबा मेड को बनाया गया, ताकि आपकी जो पीएच है या आपके जो स्किन का पीएच है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो इसको यूज करने पे। और अगर स्किन टाइप की मैं बात करूं जो उन्होंने मेंशन किया, वैसे तो ऑल स्किन टाइप मेंशन है बट स्टिल यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ही आपको मिल जाएगा कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। यहाँ पे मेंशन है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है थेरेपी सपोर्टिव स्किन केयर, जो कि इन्फेक्शन पे काम करेगा, एक्ने पे काम करेगा, एटोपिक एक्जिमा पे काम करेगा, सोराइसिस पे काम करेगा, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस पे काम करेगा एंड साथ ही साथ माइकोसिस पे भी काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये इसको सपोर्ट करती है, ऐसा इन्होंने डायरेक्ट नहीं मेंशन किया, लेकिन इनके इंडिकेशंस में जो है यहाँ पर मेंशन है। और मैं इसके और फीचर्स की बात करूँ तो ये 100% सोप है जो कि एल्कली फ्री है, साथ ही साथ ये माइल्ड है, क्योंकि ये आपके
पोर्स को क्लींस करेगा बहुत ही माइल्डली। और इसके अंदर अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड कितना अच्छा होता है इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये चीज इसके अंदर एक्टिव है, ये सब्सटेंस है जैसे कि सोडियम कोकेल, ग्लूटामेट है, माइल्डर टेंसाइड कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, बाकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। सो ये तो इनके क्लेम था, मुझे काफी ज्यादा इनका अच्छा एड लगा था। एड इन द सेंस ये नहीं कि इन्होंने कंपेयर किया था, लेकिन जो जो चीजें इन्होंने बोली थी वो ऐसा होता है क्योंकि काफी ज्यादा सोप जो है वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, ये आपको भी पता है। तो जो सीबम एड है इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, डर्मैट के पास इंग्रेडिएंट की इनके पास नॉलेज काफी अच्छी है इन चीजों की, तो यस हम ट्रस्ट कर सकते हैं इनके इंग्रेडिएंट के साथ। लेकिन एक और चीज है जो इनकी प्राइसिंग है, यानी एक नॉर्मल पर्सन जहां आपको 20-30 रुपीस में डव, पियर्स और इस तरीके के सोप ले लेता है, वहीं पर सीबम एड आपको 89 रुपीस का मिलता है। सो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप क्या लेना चाहेंगे। प्राइस डिफरेंस काफी है, लेकिन आपको पता है कि सीबम एड ज्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या आपको लगता है कि यूज के लिए सीबम एड आप बाय करेंगे। सो अपना ओपिनियन जरूर देकर जाइएगा इसके बारे में, सीबम एड के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपने सीबम एड सोप ले लिया है तो भी जरूर बताइएगा कि ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत ही जल्द इसको ऑर्डर करूंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अगर मुझे काफी अच्छा रहा सभी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।